चेक नगा वाला वीडियो देखा था मैं, शायद से वही तुम्हारा वही है ना, बुलुन चेक नगा में, बुलुन चेक नगा से आ रहे थे। हाँ हाँ वही है तुम्हारा वीडियो ना, तुम्हें भरो नाम देख के भरो तो अच्छा लगा। अच्छा अच्छा इधर थाने का ही हो गया तुम, आओ ना बात करते साइड में। हमने ट्रैवलिंग करता ना, मेरा यही रूट है ट्रैवलिंग का। राजेश विजय, विजय विजय बनकर बस इतना नाम देखा, विजय देखा ना तभी मैं तो खाली क्लिप। अच्छा अच्छा देखा अभी न्यू आ गया तुम्हारे चैनल में, अभी एक साल हो गया मतलब, एक साल होने का वही मतलब काफी फ्रेश है, फ्रेश अच्छा है, बना रहा है। थैंक यू भाई। तुम कहाँ पे रहते हो? मैं इधर कशली में रहता हूँ, आई मीन लाइक 25-26। मैं भी बचपन से, मैं भी बचपन से यही पे। इधर ही है क्या अपना पोरबंदर में रहता है? नहीं नहीं इधर तो मेरा जॉब है। अच्छा किधर जॉब कर रहे हो? रहने के लिए मैं इधर किशन नगर में। दिमाग खराब होता ना, दिमाग खराब होता क्या करेंगे, एक तो थक भी क्या हो काम से ऊपर। आपका डालता हूँ मैं रिकॉर्डिंग, अगले वीडियो में देख लेना, चलेगा ना? आपको भी प्रॉब्लम नहीं ना? नहीं मैं तुमको देखा, तुमने हॉर्न मारा ना, तुमने जगह नहीं था। नहीं मुझे कुछ लग भलता ही लगा, मुझे लगा कोई ऐसे चिल्ला रहे उधर जा। अरे नहीं पीछे से गाड़ी आ रही है। अच्छा 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 चलो भाई मिलते कभी। अभी तो आपने वीडियो देख ही लिया, लाइव था वीडियो, काफ़ी अच्छा लगा बंदे से बात करके मुझे तो। चलो अपना वीडियो पसंद तो आ रहा है, अभी आप कह रहे गाली मत दो तो मैं कम कर दूँगा गाली, लेकिन थोड़ी बहुत तो गाली यार निकल ही जाती मुझसे, क्या करेंगे। अभी वो भाई साहब ने खुद कहा कि इतना फ्रस्ट्रेशन है बाइक चलाने में, तो वो भी एक आध गाली कभी किसी को दे देता है, तो यार मतलब नॉर्मल है यार, आपको लगता रहेगा हर वीडियो में मैं गाली देता हूँ, लेकिन मैं आपको मैं पार्ट मतलब एडिटिंग करता हूँ, आपको वही पार्ट दिखाता हूँ जहाँ पे मैं गाली दे रहा हूँ, बाकी सब पार्ट में एडिटिंग क्यों करूँ ताकि आपको भी मज़ा नहीं आएगा, आपको देखने में क्या मतलब है, अगर मैं नॉर्मल ऐसे जा रहा हूँ और आपको वीडियो दिखा रहा हूँ ये वाली, तो आपको भी मज़ा नहीं आएगा, तो क्या फ़ायदा उसका। तो जब से भाई ये हुंडा एक्सब्लेड ली है तो मान लो यार बाइक तो यार एक नंबर बाइक है, क्या मतलब जो मैंने पल्सर चलाई थी कम से कम 10 साल चलाई थी उससे तो ये बाइक तो मतलब एकदम बाप है बाइक, मानना पड़ेगा। मैं तो भाई भाई दिल खुश होगा मेरा, इसकी परफॉर्मेंस वैल्यू फॉर मनी एकदम मेंटेन एकदम सही है। सो 2018 में सॉरी 2019 में मैंने बाइक ली थी, एंड ये बाइक लेते मुझे ख्याल आया कि एक्चुअली मैं पहले मुंबई कर निखिल्स के वीडियो बहुत दिखता था, एंड मुझे पसंद था व्लॉगिंग करना, ऐसा करना मीन्स कभी सोचा ही था लाइफ में, लेकिन देखना पसंद था बहुत। तो जब ये बाइक ली तो मैंने मेरे भी मन में ख्याल आया कि अपन इतने वीडियोस देखते हैं तो अपन भी रोज का ट्रैवलिंग करते हैं बाइक पे, तो क्यों ना अपन अपना खुद का एक चैनल चालू करें। एंड मुझे मैं आपको चाहूँ तो मैं मॉर्टल मोटो थंडर ऑन रोड इनके काफ़ी मैं डेली ऑब्जर्वेशन के वीडियो देख चुका था, एंड ये सब चीज़ें मैं अपनी लाइफ में डेली ऑब्जर्व करता था, बट तभी अपने पास कैमरा नहीं था और गाली बिली पहले मैं देता था लोगों को, ऐसा नहीं कि अभी कैमरा है इसलिए लोगों को गाली दे रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, पहले भी मैं गाली देता था तभी मेरे पास कैमरा नहीं था, तो मैंने सोचा कि वही चीज़ें क्यों ना लोगों के सामने कैमरा में लोगों को दिखा दूँ कि अपने को डेली ऑब्जर्वेशन में अपने को क्या क्या तकलीफें सहनी पड़ती, कोई कोई लोगों की वजह से, सभी लोग ऐसे नहीं है, सभी बाकी सब मैं आपको बोलूँ ना 80% लोग अच्छे से गाड़ी चलाते, लेकिन जो कुछ कमी लोग हैं 20% लोग हैं ना, उन लोगों ने ना गंद मचा के रखी है, राइडिंग के नाम पर ना गेम कर दिया पूरा। सो मुझे यही करना है, मतलब ये जो 20% लोग हैं इनको लाइन पे लाना है,